ना स्कूल से छुट्टी पर हूँ, पर मुझे अभी स्कूल जाना पड़ा है। आई होप कि हमें जो है ना वो दे दें, कुछ पूछे ना। ओके, हाल चाल, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सो गाइस, वेलकम बैक टू द डे। सो आज की मेरे शुरू में आपको बताता हूँ, मैं ना स्कूल से छुट्टी पर हूँ पर मुझे अभी स्कूल जाना पड़ा है। स्कूल जाना है और फिर मैंने जाना है सर्विस उठारियो। सर्विस उठारियो क्या करने जाना है, मैंने लाइसेंस बनवाने जाना है। मेरा जो लाइसेंस था वो आई थिंक गुम गया है और मैं गाड़ी बिना लाइसेंस के काफ़ी देर से चला रहा हूँ, और मुझे अभी लगा कि मुझे ना लाइसेंस दोबारा बनवा लेना चाहिए। सो अभी चलते हैं, दोनों काम करते हैं। तो और यार यहाँ देखो, इस टाइम ना स्नो पड़ रही है हवा में। आई डोंट नो इफ यू कैन सी हियर, बट स्नो पड़ रही है। अगर ये गाड़ी पर देख लो तो यार, आप तुम लोग कहोगे तुमने छुट्टी कर ली स्कूल से और स्कूल फिर भी जा रहे हो। पता है क्या हुआ है कि हमारे ना सेमेस्टर ख़त्म हो रहा है स्कूल में, और उसकी एक असाइनमेंट है जो फिज़िकल पब्लिक करनी थी, ये मेरे पास है। इसका रिसर्च पेपर बनाना था मैंने, वो मैंने रिसर्च पेपर पूरा अपना कंप्लीट कर लिया है। पर द थिंग इज दैट मैंने ऑनलाइन सबमिट किया, पर टीचर वॉज सेइंग दैट कि आपको फिज़िकल सबमिट करना पड़ेगा, और फॉर दैट रीज़न अभी मुझे वहाँ जाना पड़ा है स्कूल। स्कूल जाके इसको मैंने बस सबमिट करना है और मैंने आ जाना है, क्योंकि मैं यहाँ स्कूल से ऑफ हूँ, तो इसलिए स्कूल जाऊँगा, सबमिट करके वापस आ जाना है मैंने। उसके अलावा फिर जाएंगे हम सर्विस ओंटारियो, जहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने ना एक वीडियो बनाई थी, ये देखो, जिसमें मैंने बताया था कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट लूज़ हो गए थे, और मैंने ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा बनवाया और वो फिर गुम गया। और फिर लॉन्ग टाइम हो गया, 2-3 महीने हो गए हैं, और मेरे ना अभी कुछ महीने रह गए हैं अपग्रेड होने वाला है लाइसेंस। तो लाइक अगर 5-6 महीने रह गए फिर नया लाइसेंस अपग्रेड होने, मैंने नेक्स्ट लेवल लाइसेंस बनने के लिए, तो उसके लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है, और वो चीज़ मेरे पास नहीं है। तो इसलिए आज मैं कह रहा हूँ कि आज वो बनवा लूँ। ऊपर से स्नो इतनी ज़्यादा है, और यू नो कि अभी स्नो हो रही है, सो यू नेवर नो इन फ्यूचर। और तेज़ स्टॉर्म भी आ गया, और क्योंकि अभी छुट्टियाँ आने वाली हैं, और छुट्टियों में अगर स्नो ज़्यादा हुई ना मुझसे नहीं जाया जाना। और असाइनमेंट वैसे मैं कल भी अपलोड कर सकता हूँ, दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल मेरा शेड्यूल मसरूफ़ हूँ, कल फिर ना गया स्कूल फिर, इसलिए आज अभी हम जाएंगे। ठंड बहुत है गाइस, स्नो पड़ रही है काफ़ी ज़्यादा, हल्की हल्की है, अभी स्पीड नहीं है, दैट्स गुड। खैर चलो स्कूल चलते हैं और फिर बाकी वहाँ जाके मिलता हूँ। यार आप देख सकते हो इस टाइम रश कितना हुआ है, और थोड़ी देर फॉग हुई हुई है, सो स्नो जैसी ना हो रही है, ठंड बहुत है लिटरली। सो गाइस बस आ चुकी है हमारी, फिर हम जो कार्ड है उसको पंच करते हैं। तो भाई स्कूल में पहुंच चुका हूँ, क्लास में जाना है और अपना काम खत्म करके आना। तो भाई स्कूल का जितना काम था आई हैव डन, टीचर से भी मिल गया मैंने। आई डोंट नो मैं कैसे दिख रहा हूँ, पर जब सर्दी रुक रही हो ना तो डजंट मैटर हाउ यू लुक, सर्दी रुकनी चाहिए बस। खैर काम खत्म हो गया, स्कूल कितना शांत है क्योंकि सारे क्लासों में जो है, तो सो भी चलते हैं घर और अगले स्टाफ में। तो भाई ऐसी स्नो है, और यार ये स्नो जैसी थोड़ी फिसलने वाली है, क्योंकि अभी स्नो गिर रही है, और इसके नीचे पहले जो पानी था ना, जो पहले स्नो पान के थोड़ी पिघली हुई थी, 3 दिन पहले स्नो हुई थी वो पिघल गई थी, उसका पानी और ऊपर स्नो गिर रही है, तो ये थोड़ा ना स्लिप हो रहा है, क्योंकि इस स्नो के नीचे जो आइस है ना वो भी कच्ची है और स्लिपर ज़्यादा, इसलिए बड़े आराम आराम से चलना पड़ता है यहाँ पर। और बाकी यार ये माहौल देखो, और गाड़ियों सारी छुप रही हैं, रोड छुपने लग पड़े, और मैं भी छुप गया उधर, ठीक है। और अभी जैसे हम जा रहे हैं, तो खैर अभी हम जा रहे हैं सर्विस ओंटारियो, वहाँ जाके बनाएंगे हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस। आई होप कि हमें जो है ना वो दे दें, कुछ पूछे ना, क्योंकि यार मैं एक थोड़ी देर पहले बनवाया था, फिर मेरे से पता नहीं किधर गया मैं ये। सो खैर ना बनाने दिया तो घर तो आने देंगे, सो लेट्स गो, देखते हैं ये सारा कुछ कैसे होता है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना साथ अपनी ओंटारियो ID भी बनवा लेता हूँ, सो वहाँ जाके देखते हैं सारा कुछ क्या सब कुछ वगैरह है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, ठीक है, अभी बस 5-6 मिनट की वॉक है, और उसके बाद जो है ना सर्विस ओंटारियो पहुंचेंगे हम, लेकिन अभी थोड़ी वॉक करनी पड़ेगी। और यार यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी है, आई डोंट नो ये शायद एरिया नॉर्थ में ना आता हो, तो उस साइड पर हमेशा कैनेडा में सर्दी ज़्यादा होती है, पर यू कैन सी हियर। तो खैर मैं इस साइड पर हूँ, मुझे उस साइड पर जाना पड़ेगा, तो ये 8-7 मिनट की वॉक है, वॉक करते हैं और फिर चलते हैं वहाँ पर। यो गाइस वी आर हियर एट सर्विस ओंटारियो, वहाँ देख सकते हो, ठीक है, थोड़ी सा सफ़र है वहाँ तक चलते हैं, और आई होप कि वो जो है ना वो मान लें कि हमें वो
दे दें कार्ड, पर एनीवे चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं सारा। Zoo guys, we got the papers. So guys, हमें पेपर मिल चुके हैं और सक्सीड। There are some questions, but मैंने बता दिया उनको और देन उन्होंने दे दी हमें चीज़ें। So it like it cost me fees, but मिल गई चीज़, उससे बेहतर क्या है। So खैर डे तो खैर अभी चलते हैं यहाँ से वापस। I have to take the bus, लेकिन I'm thinking कि कुछ खा पी के चलते हैं, खाली पेट क्या जाना। सो अभी ना मेरे पास दो तीन चॉइसेस हैं, या मैं टिम होटल चल जाऊँ, या बर्गर किंग है यहाँ पर, या सबवे है, और एक दो रेस्टोरेंट्स और भी हैं यहाँ पर। सो इधर वन ऑफ देम ट्राई करते हैं और जो सो गाइस मैं टिम होटल आया हूँ तो यहीं से कोई चीज़ पकड़ लेते हैं। बर्गर किंग में रश थोड़ा ज़्यादा है और वो थोड़ा दूर भी है, तो ये सही है। सो गाइस एक तो मैंने ये लिया है, ठीक है, और साथ जो है ना वो चाय आती है, साथ कॉफ़ी लिया वो पीते हैं। सो गाइस अभी जो चीज़ें वगैरह ली है उसको खाते हैं और देन फिर हम यहाँ से जाएंगे अगली जैसे। सो गाइस ट्रेडिशनल की तरह हाथ में टीम पकड़ ली है और अब बस की तरफ चलते हैं और फिर घर चलते हैं। होपफुली थैंक गॉड कि हमारा काम हो गया जो भी होना था, तो अभी चलते हैं घर। सो गाइस बस चढ़ चुके हैं और थैंक टू गो बैक। सो गाइस आपका भाई अभी घर नहीं गया, तो अभी जैसे दोस्तों ने फ़ोन किया कि आज जिम चलते हैं, क्योंकि तो मैंने कहा चलो चलते हैं। अगर अभी मैं घर नहीं गया तो मैंने कहा चलो जिम ही चलते हैं, तो अब जिम करके फिर घर जाएंगे अब। तो वो सामने जिम है, यहाँ से बस से मैं यहाँ डायरेक्ट उतर गया था, क्योंकि वहाँ से घर भी एक बस लगती है और अगर जिम आना हो तो भी सेम बस है। तो मैंने कहा लाइक निकले हुए तो चलो खैर है, सो लेट्स गो गाइस चलते हैं और फिर देखते हैं आज क्या करना है। सो गाइस हियर आई एम इन द जिम, जिम पहुँच गए हैं और देखते हैं क्या है। यो गाइस हियर इज़ माई लुक टुडे। आई नो कि ये जिम वाले कपड़े नहीं, क्योंकि मैं जिम करने नहीं आया था, मैं काम से गया था एज यू सी बिफोर, लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं अब तुम बाहर ही तो आ जाओ जिम करने, तो मैंने कहा चलो चले जाते हैं। तो खैर आज देखते हैं क्या करना है, आई थिंक आज आर्म्स करेंगे या कुछ भी, लेकिन लेट्स सी व्हाटएवर वी डू। गाइस दो बिल्लियां लड़ पड़ी हमारी जिम में। सो गाइस हमारी जिम में दो बिल्लियां लड़ पड़ी। So guys, हमारी जिम में ऐसा कुछ भी होता है, you know? So this is doing this. Yo guys, अभी घर वापस जा रहे हैं due to some reason. So खैर अभी मैं आपको घर जाके मिलता हूँ। So yo guys, अभी हम घर पहुँच चुके हैं। So I hope आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो do like and subscribe, share करना ना भूलना, और मैं मिलता हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए goodbye.